एंड बहुत सारे लोग गेसेस चालू कर देंगे कि नासिक में कहाँ जा रहे हैं। ये रहा नितिन अपना शुभमिति है। एक तो हम लोग का ऑलमोस्ट 2500 का बिल हुआ रहेगा। Morning guys, this is Sagar and it's 6:20 right now and we are heading towards Nashik. Nashik में कहाँ जा रहा है वो आपको जाते जाते बताएंगे। सो बाइक को अभी कोल्ड बूट किया है एंड निकलेंगे अभी। 7 o'clock का टाइमिंग है अपना एट ठाणे टू मीट, और दो राइडर हमें ज्वाइन करेंगे आज। एंड वेदर है वो बहुत ही प्लेजेंट हो चुका है, ठंडी ठंडी वाली ठंड है। एंड 2-3 वीक के गैप के बाद फाइनली राइड के लिए निकल चुके हैं बाहर। एंड बहुत सारे लोग गेसेस चालू कर देंगे कि नासिक में कहाँ जा रहे हैं। सो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप में से एक दो लोग सही होंगे कि नासिक से थोड़ा सा आगे जाने वाले हैं। एंड गेसिंग, कीप गेसिंग चालू रखिएगा। आज का हॉल्ट होगा नासिक के नियर बाई, एंड सेकेंड डे का एक कल का भी हम लोग का एक प्लान है। वो अगर आज फाइनल हो गया, ऑनलाइन बुकिंग का काम चालू है, अगर वो हमें मिल गया तो भाई साहब दोनों वीडियो बहुत ही अच्छे आने वाले हैं, विच आई बिलीव। एंड ट्राई करेंगे बहुत ही अच्छा सा एक क्वालिटी कंटेंट जो है वो आपको दे दे। इट्स 6:22 राइट नाउ। 7 o'clock को हम ठाणे में मिलने वाले हैं नितिन एंड उसका एक दोस्त है प्रीतिन केनी। सो ये दोनों लोग मुझे ठाणे में मिलेंगे, अपना जो खारेगांव वाला टोल प्लाजा है सो वहाँ पे मिलने वाले हैं। तो दे रीच एट टोल प्लाजा एंड हम लोग भी एक 2 मिनट में यहाँ से पहुँच जाएंगे। जैसे एक यू टर्न लेना है यहाँ से एंड जो खारेगांव टोल प्लाजा है वहाँ पे हम लोग पहुँच जाएंगे। ये रहा नितिन अपना फुल एकदम बैग भी लेके रेडी, मचाओ। हाँ लेट लतीफ वॉइस ओवर ढाका से कह रहे हम लोग को बोला 7 बजे यार, कितना बजे आज खाने बोला था मैं 7 बजे। एट शाहपुर सिटी, शाहपुर में आने के लिए दो रास्ते हैं बेसिकली। एक जो है जो ये वाला है नासिक हाईवे, ठाणे से आप नासिक की तरफ निकलते हो तो शाहपुर सिटी पहुंच जाते हो, या फिर आप अगर नवी मुंबई से हो या कल्याण से हो सो मुरबाड़ पता होगा आपको। सो मुरबाड़ के यहाँ से भी एक रोड है जो डायरेक्टली शाहपुर के साइड निकल जाता है, वो रोड मैं थोड़ा रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि उस रोड पे थोड़े पॉट होल्स ज़्यादा है एंड रोड अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। सो दैट्स वाई आप प्रेफरेबल कीजिएगा ये ठाणे नासिक रोड इफ़ यू आर कमिंग टू शाहपुर और गोइंग टूवर्ड्स नासिक, तो यही रोड प्रेफरेबल रहेगा। सो दैट्स वाई वी आर ऑल्सो हियर। एंड एक दो छपरी राइडर्स जो कहते हैं जो टर्म है स्पेशली, आपको भी पता चल गया होगा कौन सी कंपनी की बाइक होगी फिर। सो वो मिले थे जैसे कटकुट मार रहे थे, बट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अपना जो मेंटल पीस है वो खोना नहीं है इस चक्कर में। वो दो जन थे कट मार रहे थे तो हम लोग ने छोड़ दिया क्योंकि ये लोग का काम ही वही रहता है कि दूसरों को कैसे डिस्ट्रैक्ट कर सके एंड खुद को कैसे कूल बता सके। सो अगर आप राइड के लिए बाहर निकलते हो तो ध्यान रखिएगा, ऐसी चीज़ें भी होती रहती है। ये अभी मेरे साथ हुई तो मैंने शेयर की, आई डोंट नो इसके पहले मैंने शेयर की है या नहीं, बट थोड़ा ध्यान रख के चलिएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, घर वाले भी राइड के लिए छोड़ते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी होनी चाहिए, घर वालों की भी होती है, राइडर की भी होती है, स्पेशली राइडर की। सो फाइनली राइड करते करते हम लोग ने शाहपुर क्रॉस किया है एंड प्लान तो है आज नासिक रुकने का। सो हमारे साथ जो राइडर है सो उनसे आपको मिलते हैं। सो प्रीतिन इज हियर एंड नितिन है अपना एंड बहुत ही मक्खन वाले रोड थे अभी तक फिलहाल, देखते हैं अभी इसके आगे कैसे रोड है एंड जो भी अपडेट होगा वो आपको पता ही चलेगा कि कैसा है एंड क्या है।
सो अभी क्या करेंगे, ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं। इट्स 8 o'clock इन द मॉर्निंग राइट नाउ। सो पहले ब्रेकफास्ट करेंगे। ऑलराइट गाइस, सो ब्रेकफास्ट हो चुका है। सिनेमेटिक शॉट थोड़ा लेना भूल गया हूँ, जल्दी ही जल्दी में ब्रेकफास्ट करने के इतने मग्न हो चुके थे कि सिनेमेटिक शॉट लेना भूल गया। अगर कोई नहीं, आगे जैसे जैसे हम लोग राइड कंप्लीट करेंगे आपको अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करेंगे। सो अभी यहाँ से कसारा घाट आई गेस अराउंड 15 to 20 minutes है। सो कसारा घाट में बहुत ही सिनेमेटिक सा व्यू होता है इन रेनी सीजन। स्पेशली रेनी सीज़न अभी तो आपको पता है कि ख़त्म होने आ चुका है, बट स्टिल देखने लायक है कसारा घाट। सो वो भी आपको दिखाएंगे। एंड जो आज का फोर्ट है, जो ट्रेकिंग है 1 घंटे की, तो वो ट्रेकिंग की भी मज़े आपको देंगे। सो जुड़े रहिएगा। सो आपको भी पता है नासिक आए हैं। सो नासिक में आने के बाद शुभम से मिलना तो बनता है। सो शुभम इज हियर। हाय। सो बहुत दिनों बाद नासिक आया हूँ। आई गेस एक साल हो गया नासिक में आया नहीं था। एंड शुभम से भी मिलना था। एंड फॉर्चुनेटली हम लोग जो शाम में जिस प्लेस पे जा रहे हैं, सो शुभम के घर के नज़दीक है। सो हमने प्लान किया कि क्यों ना शुभम के घर पे ही स्टे किया जाए। सो आज हम मेहमान हैं शुभम के घर पे। तो शुभम की मेहमान नवाजी आप देख सकते हो कि हम लोग आए हैं यहाँ पे दिवटिया वाड़ा करके, ये जो होटल है एंड बहुत फेमस लोकेशन है इन नासिक। अगर आप आओगे सो हाईली रिकमेंड है कि एक बार ज़रूर आइए। एंड अभी देखते हैं कि दिवटिया वाड़ा में कैसे सीन्स है वो भी दिखाते हैं आपको। सो लंच तो हो गया, वेज थाली ठीक ठाक दी। सो किन्हीं को पूछते हैं कि नॉन वेज थाली कैसी दी। नॉन वेज थाली मतलब एक्चुअली जो लोग टीका खाना पसंद करते हैं उन लोग के लिए ठीक है, लेकिन इतना टीका था ना, मतलब बहुत पसीना निकला हम लोग का। हाफ थाली छोड़ के बहुत पसीना निकला। एक तो महंगा भी है। आउट ऑफ में रेटिंग दूंगा तो 6 दूंगा, क्योंकि इतना भी अच्छा नहीं था। और ऊपर से हम लोग ने छाछ मंगाया था वो तो उन लोग ने एक्चुअली इन लोग ने यहाँ पे नहीं बनाया था वो छाछ, बाहर से वो जो 10 रुपए के पैकेट मिलते वो उन लोग ने मंगाए और हम लोग को 30 रुपए में दिए। और छाछ तो बकवास था पूरा, हम लोग को पसंद नहीं आया। गुलाब जामुन था वो जो ठीक है, एवरेज है, जैसा उस हिसाब से तो नहीं था। लेकिन ऐसा मतलब सब लोग बोल रहे कि नासिक में इतना फेमस है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, एक तो हम लोग का ऑलमोस्ट 2500 का बिल हुआ रहेगा। तो ठीक है, अभी क्या करेंगे, थोड़ा रेस्ट करने वाले हैं। अभी हम लोग शाम को अगर दूसरे होटल में जाते हैं, अगर वहाँ का खाना अच्छा लगा तो हम लोग जरूर बताएंगे, रिव्यू जरूर देंगे। सो मिलते हैं थोड़ी देर में। और राइट गाइस, सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे। कल लंच हो जाने के बाद हम लोग ने थोड़ा रेस्ट किया एंड इवनिंग में थोड़ा बहुत चिल किया एंड बहुत ही अच्छे पिक आए हैं। सो अगर आपको पिक्स देखने हैं सो इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे देखने मिल जाएंगे। एंड राइट नाउ वी आर एट हरिहर फोर्ट एंड अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। एंड प्लान तो है पूरा जो फोर्ट है वो क्रॉस करने का। सो एक बार दिखा देता हूँ, मगर रोड यहाँ के थोड़े से ख़राब थे। नितिन को भी पूछते कैसे रोड थे, बहुत ख़राब है। नितिन का थोड़ा कॉन्सेप्ट का इशू आ रहा है। सो देखते हैं ये जैसे हम लोग क्रॉस करेंगे जो फोर्ट है वो नीचे आने के बाद हम लोग देखेंगे कि क्या एग्जैक्टली इशू है। एंड ये दिखाता हूँ मैं, ये पूरा आपको ये हरिहर फोर्ट है, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए जो वाइट लोग दिख रहे हैं, सो यहाँ से पूरा ये चल के जाना है। देन ऊपर के साइड में ये जो पॉइंट है वो पॉइंट से देन फिर ऊपर जाना है। सो ट्राई करेंगे कि जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश रहेगी। एंड एज पर पीपल की 2 घंटा लग जाता है पूरा ट्रैक करने के लिए। सो देखते हैं क्या अभी सीन है, बाकी के कुछ अच्छे सीन हो गए तो वो भी आपको दिखाएंगे। क्या हुआ भाई?
भाई लगा था कि बहुत इजी होगा, मगर हार्डली हमने एक 1/4 भी कंप्लीट नहीं किया एंड पूरा थक गए हैं। एंड प्लानिंग तो चल रही है यहाँ से रिटर्न जाए, क्योंकि यहाँ से अगर ऊपर चढ़ गए तो रात का प्लान छोड़ना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। सो देखते हैं, अगर चढ़े ऊपर तो दिखा देंगे, अगर नहीं चढ़े तो यहाँ से ही रिटर्न निकल जाएंगे घर के लिए। सब यहाँ से और एक घंटे का ट्रैक है ऊपर, एंड आपका भाई कोई सुपरमैन नहीं है इतने ऊपर चढ़ने के लिए। एंड हालत पूरी डाउन हो चुकी है, सो मैगी ऑर्डर कर दिए है, मैगी खाएंगे, बस यहाँ पे चिल करेंगे, दोस्तों का इंतज़ार करेंगे एंड देन यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि इवनिंग में भी हमारा दूसरा वीडियो का प्लान है जो इसके बाद आपको देखने मिलेगा। सो ये वीडियो यही एंड करते हैं। सो इफ़ यू एंजॉय दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, अगर नए हो तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब हो जाना। एंड विद दैट सेड, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एज ऑलवेज बाय बाय, टेक केयर, सायनारा, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिएगा एंड ऐसे ही प्यार एंड मोहब्बत बरसाए रखिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।